करनाल के निसई में किसानों व किसान नेताओं ने मंगलवार को बारिश व ओलावृष्टि से खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग को लेकर उप तहसील कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। किसानों ने इस मामले में नायब तहसीलदार को हरियाणा सरकार के नाम एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें भाकियों के राष्ट्रीय सलाहकार अजीत सिंह हाबड़ी, सुखा सिंह लागर व जसपाल सिंह सहित अन्य किसानों ने नायब तहसीलदार को कहा कि जिन किसानों ने बीमा नहीं करवाया है उन किसानों की खराब हुई फसल की गिरदावरी करवा कर मुआवजा दिलवाया जाए। किसान नेता सुखा सिंह लागर ने कहा कि किसानों के पिछली धान की फसल खराब हो गई थी, खराब हुई धान का प्रीमियम भरने के बावजूद भी बीमा कंपनी की ओर से आज तक किसानों को मुआवजा राशि नहीं दी गई है और अब किसानों की गेहूं, सरसों व सब्जी की फसल खराब हो गई है। कृषि विभाग के अधिकारी उन किसानों के खराबे के फार्म जमा नहीं करा रहे जिन किसानों ने अपने फसलों को बीमा नहीं करवाया है, जिस कारण से किसानों में सरकार व कृषि अधिकारियों के प्रति भारी रोष पनप रहा है। किसानों ने नायब तहसीलदार को एक मांग पत्र सौंप कर मांग की है कि किसानों की खराब हुई फसल की गिरदावरी करवा कर उन्हें जल्द मुआवजा दिलवाया जाए। इससे पूर्व किसानों ने शहर के रोड़ी साहिब गुरुद्वारा में एक बैठक कर किसानों की मांगों पर विचार भी किया गया। इसके बाद किसान मार्केट कमेटी कार्यालय में पहुंच मार्केट कमेटी सचिव सुमन लता से शेडो के नीचे रखे धान के कट्टे उठवाने की मांग की, जिसका मार्केट कमेटी सचिव ने जल्द उठवाने का आश्वासन दिया। देखिए निसिंग से संवाददाता अशोक वर्मा की रिपोर्ट। सरकार को चला हरियाणा सरकार, ठीक है ना। एक काई लाच तरीक है, थोड़ी तरीक बता देना। जिनका बीमा है वो दे, दूसरे का फॉर्म ले नहीं रहे, का फॉर्म ले नहीं रहे, ले नहीं रहे। ये हम अभी भेज देते हैं। हाँ ठीक है जी, मेहरबानी। भारतीय किसान यूनियन की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अजीत सिंह हाबड़ी जी पहुंचे। हम उनसे बातचीत करते हैं। जी अजीत सिंह जी, क्या कहना चाहोगे सर? बैठक का आयोजन किया गया गुरुद्वारा रोड शाम में। आज ये जो बैठक यहाँ पर गुरुद्वारा रोड़ी साहब निसिंग में हुई है, ये जो मतलब खराबा है जी, तो जिन किसानों ने अपनी लिमिटा भरी हुई हैं, आज से 5 साल पहले ये लिमिटें किसान भरते आ रहे हैं और अपने इन्होंने फसल का बीमा करवा रखा है, तो इस करके 5 साल में किसी को बीमा मिला है। जो छोटे किसान हैं उनको छोटा, जो बड़े किसान थे जहाँ जिनके पास 10-15 एकड़ था, किसी को भी बीमा नहीं मिला। ये तो करोड़ों रुपया जो था बीमे के नाम से, ये बाहरली कंपनियां को फायदा होया, किसान को तो मिला ही नहीं है। और इस बार जो सरकार कह रही है जिनका बीमा है उनको मतलब लिमिटे हैं, लिमिटे का बीमा है उनको ये पैसा मिलेगा। और हम सरकार से ये कहते हैं भाई, जे सरकार शुरू से ही सारे किसानों को बीमा देती तो हर एक किसान ने वो लिमिटे भी भरी होती और किसान अपना बीमा भी करवाते। हमारी आज मांग है भाई, सभी किसानों का नुकसान हुआ है, चाहे छोटा किसान है चाहे बड़ा किसान है, फसल तबाह हो चुकी है, ओलावृष्टि हुई है और नीची जगह में तो मेरे यहाँ से पता लगा भी 15-15, 20-20 किले आलू का फसल जो है वो खराब हुआ है, सब्जियाँ खराब हुई हैं, किसान तो बर्बाद हो चुका है इसमें। और हम कहते हैं सरकार सभी को जिनके वो बीमा है उनको बीमा दे, बाकी को खराबा दे। सभी किसानों को ये मिलना चाहिए, ये किसानों में रोष है। आज तक की जो डेट दी गई थी फार्म भरने की वो आज खत्म हो चुकी है। हम कहते हैं एक हफ्ते की और किसानों को डेट दी जाए, हर किसान अपना अपना भर के और वो दे, सभी किसानों को खराबे का पैसा मिलना चाहिए। आज पुरजोर हमारी यही मांग है। कुलदीप सिंह पप्पर जी, ये साड़ी सारे किसानों की रल के मांग है भी सानू के उतरों साड़ी फसल खराब होगी, उतरों गेड़े मराते हैं कृषि विभाग वाले जाने तो आते हैं भी वही किसान का फार्म लवेंगे जिन्हें लिमिट से जहाँ बीमा कराया, वो उन्होंने पूछे भले मानसो जो किसान बेचारे किधर जान, कई तो कराया ही नहीं, किसी लिमिट ले ही नहीं तो किसी तो तरी नहीं। तो असी साड़ी जोर पुरजोर मांग ये वे भी सारे किसानों दो जिन्हों की फसल खराब हो गरदौरी करो। अज तक ना कोई गरदौरी करनी कि ना कल्या सुखे उ अखबार जी टीविया विखा छे भी थोड़ा अभी गरदौरी कराने आदेश दे दते ने, एक किसी के किसान की जाके ना फली नहीं वेखी, सब कणक पिछिया पे। तो साढ़े मंग यही हुई है जोर अच्छ सारा भी किसान सारे
इको जे ने सारे दे मीह पिया सारे दे ओला पिया किसी कल्ले किसान दा नहीं पिया सारे नूं दित्ता जाए सारे नूं जो हिस्सा आउंदा सारे नूं देण जी सुक्का सिंह लागर जी ਇਹ ਵੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਬੀਮੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੀਮਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਕੱਟਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਮੂੰਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹੇ ਰੁਪਈਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਏਕੜ ਸਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਹੈ ठीक ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.